चलिए अगली बड़ी खबर आपको मेरठ से दे दें। थोड़ी देर में गरजेगा बुलडोजर, 16 जगहों पर गिराए जाएंगे अवैध निर्माण। बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से, योगी राज में अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन लगातार हो रहा है और देखिए इसी कड़ी में मेरठ में 16 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। अब तक जो भी कार्यवाही बुलडोजर की हुई है उनमें सबसे बड़ी कार्यवाही ये है। थोड़ी देर में बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। 16 जगहों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और आपको बता दें कि योगी राज में अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन लगातार हो रहा है। योगी राज में अवैध निर्माणों पर मेरठ में आज बड़ा एक्शन होने जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण आज सबसे बड़ी कार्यवाही करने जा रहा है, जिसके तहत 4 जोन की 16 सब जोन में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। आपको बताया कि एमडीएस सचिव चंद्रपाल तिवारी ने इस बारे में जानकारी भी दे दी है। सनुज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं सनुज, क्योंकि मेरठ में आज सबसे बड़ी कार्यवाही होने जा रही है। अब से कितनी देर बाद ये कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी? हाँ देखिए, जो मेरठ विकास प्राधिकरण के जो बुलडोजर हैं वो अवैध निर्माणों पर गरजने के लिए निकल चुके हैं। 16 मेरठ में जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम वहां पर बड़ा एक्शन लेने के लिए जा रही है। आज तक के मेरठ विकास प्राधिकरण के इतिहास में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। जो एमडीएस सचिव चंद्रपाल तिवारी हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी, पूरा प्लान उनकी तरफ से बना लिया गया था और आज शहर के अलग अलग इलाकों में जो 16 बुलडोजर हैं वो कार्रवाई करेंगे। इनमें कई अवैध दुकानें हैं, कई अवैध कॉम्प्लेक्स हैं, कई अवैध कॉलोनियाँ हैं जिन पर आज मेरठ विकास प्राधिकरण का जो महाबली है वो गरजेगा। सबसे बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिल रही है। आज ये कार्रवाई करके कहीं ना कहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ये मैसेज देने का काम करेगा कि जो अवैध निर्माण कर लिए गए हैं या जो भविष्य में करने की तैयारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाएंगे। अब तक जो अवैध निर्माण हुए हैं, बाकायदा 300 से ज़्यादा अवैध निर्माणों की जो लिस्ट है वो मेरठ विकास प्राधिकरण के जो VC है मृदुल चौधरी उनको सौंप दी गई है और उन्होंने बाकायदा एक एक करके इन अवैध निर्माणों के खिलाफ जो प्लान है वो बना लिया है। बस कुछ ही मिनटों की बात है और उसके बाद यहाँ मेरठ में 16 अलग अलग पॉइंट्स पर जो बुलडोजर है वो कार्रवाई करने के लिए अपनी कार्रवाई को अंजाम देने लगेगा। जो अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का पंजा है वो मजबूत शिकंजा यहाँ पर कसने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह है, लगातार अवैध निर्माणों को लेकर सख्त नजर आते हैं। कई बार उन्होंने नाराजगी भी जताई और मेरठ विकास प्राधिकरण का निरीक्षण करने के दौरान सीधे कहा था कि अवैध निर्माणों पर मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर क्यों खामोश है, क्यों JE और जो नोडल और जोनल अधिकारी है वो सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन अधिकारियों की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। जिन JEO ने क्या क्या कार्रवाई अब तक की उनका पूरा जो ब्यौरा है वो जुटाया गया था और अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए थे। शायद ये उसी का नतीजा है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि परसों एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जो बदन सिंह बद्दो है, बदन सिंह बद्दो के राइट हैंड पर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, 8 दुकानें ढाई गई थी और आज 16 अलग अलग जगह 16 बुलडोजर गरजने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं तो अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई कहीं देखने को नहीं मिली है कि किसी विकास प्राधिकरण ने एक दिन में 16 बुलडोजर एक साथ निकाले हो। चूंकि मेरठ विकास प्राधिकरण के पास एक ही बुलडोजर है और जो 15 बुलडोजर है वो किराए पर लिए गए हैं और आज ये 15 बुलडोजर एक एक करके अवैध निर्माणों को धराशायी करेंगे। बिल्कुल, और जब कार्यवाही शुरू होगी सनोज उस वक्त की भी तस्वीरें दर्शकों के सामने आपके माध्यम से रखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।